हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा, जिससे आप बहुत टेंशन हो रहे होगी। यानी कि मैं आज आपको बताऊं कि अपने जो YouTube चैनल पे जो एनालिटिक चेक करते हैं, उसके अंदर आपको एक इशू दिखाई दे रहा होगा। यानी कि बहुत बड़ा एक सब इंग्लिश में जो लिखा होगा आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे मैं यहाँ पर स्क्रीन शॉट दे रहा हूँ इस तरह का। तो दोस्तों, आप इसको लेकर आप बहुत परेशान होंगे, तो मैं आज इसके बारे में आपको पूरा एक एक समझाने वाला हूँ कि ये क्या है, क्यों आ रहा है, किस कैसे ठीक होगा। तो दोस्तों, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपके समझ में आएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पर अपना वॉइस स्टूडियो ओपन करता हूँ। जैसे मैं अपना वॉइस स्टूडियो ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे एनालिटिक पे जाता हूँ, और एनालिटिक पे जाने के बाद आपको यहाँ पे रियल टाइम पे क्लिक करना है। जैसे आप रियल टाइम पे क्लिक करोगे, तो देख सकते हो यहाँ पे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वी आर एक्सपीरियंसिंग इशू विद द सिस्टम फॉर रियल टाइम डाटा, दिस मेक्स इन क्रिएटिव व्यू काउंट एंड रिपोर्ट ऑफ वीडियो परफॉर्मेंस, वी वेयर वर्किंग ऑन दिस ऑन द इशू। तो दोस्तों, ये क्या दिखा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे ठीक करें। तो दोस्तों, मैं आज इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि ये क्या, किस कारण से आ रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ कि ये क्या बता रहा है, क्या सिस्टम है इसका। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो देख सकते हो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि वो क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना यूट्यूब ओपन करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे अपना वाईटी स्टूडियो ओपन करता हूँ। तो देख सकते हो, मैं जैसे अपना वाईटी स्टूडियो ओपन करता हूँ, तो मैं यहाँ पे एनालिटिक पे क्लिक करता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे रियल टाइम, तो मैं यहाँ पे जैसे इश्यू पे क्लिक करता हूँ, तो आपको यहाँ पे सारा सिस्टम दिखा रहा है। देख सकते हो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, वह देख सकते हो यहाँ पे हिंदी में आपको यहाँ पे बता दो आपको। तो देख सकते हो यहाँ पे सिस्टम में किसी समस्या की वजह से फिलहाल हम रियल टाइम में डेटा नहीं दे पा रहे हैं, इसकी वजह से वीडियो को देखे जाने की संख्या और उनके परफॉर्मेंस की रिपोर्ट शायद पूरी तरह ठीक ना हो, इस समस्या को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों, आपके चैनल पर इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट जो रियल टाइम में वो कम दिखाई देगा। यानी कि वहाँ पे जो टीम का जो रियल टाइम का जो सिस्टम था, उसके अंदर कुछ सिस्टम इशू आ गए। तो दोस्तों, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आपको कुछ दिनों यानी कि आपको 2-5 दिन के अंदर ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। इस पर अब जो यूट्यूब टीम होती है वो अच्छे से वर्क कर रही है, यानी कि वो इसको इस इशू को जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश कर रही है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके चैनल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट ये है कि उस पर रियल टाइम जो अपना अच्छे से जो व्यूज आते हैं वो अच्छे, मतलब जो व्यूज होंगे वो दिखाई दे देंगे, यानी कि डाउन दिखाई देंगे, तो उससे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो जब भी ठीक होगा, तो वो अपने व्यूज अपने आप वापस अच्छे से दिखने लगेंगे। तो आज की वीडियो में यही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए